नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वसुंधरा कौशिक है एंड वेलकम और वेलकम बैक टू ब्रेन क्रैश मिथ्स। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अवि शर्मा सर, जो कि BHMS MD PhD हैं। मजे की बात यह है कि सर एक फोर्थ जनरेशनल प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ हैं। हमारा सवाल है कि होम्योपैथिक मेडिसिन क्रॉनिक डिजीजेस के लिए, जैसे कैंसर है या फिर जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके लिए कितनी इफेक्टिव है? बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सबसे अच्छी चीज़ क्लिनिकल प्रैक्टिस में होम्योपैथी में क्या होती है कि, और सबसे खराब भी यही है कि पेशेंट जब आपके पास में आता है तो वो सब चीज़ें ट्राई करके आता है। होम्योपैथी इज दी लास्ट रिजॉर्ट मोस्टली। अगर किसी को पता है होम्योपैथी के बारे में या कोई बहुत पहले से फॉलो कर रहा है तो पहले आ जाएगा, बट अगर किसी को नहीं पता और फर्स्ट टाइम आ रहा है तो वो सब चीजें ट्राई करके आया है। तो एक्चुअली नीड टू हैंडल ऑल द साइड इफेक्ट्स एंड ऑल, लाइक वट एवर द अपना रिपरकशंस आर ऑफ एलोपैथिक मेडिसिंस ऑब्वियसली। तो उस सब चीजों में बहुत अच्छा काम करती है। पर आपको और जितने भी लोग हैं ये सुन रहे हैं उनको मैं एक चीज पहले बताना चाहता हूँ कि क्लिनिकल प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो उसके अंदर आपको सबसे पहले बीमारी के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि बीमारी क्या है, बीमारी क्यों है, बीमारी कब से है, बीमारी के क्या क्या मेरे सारे साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, और सबसे जरूरी चीज, क्योंकि डायग्नोसिस तो जनरली मिलता ही है आपको, बीमारी का प्रोग्नोसिस क्या है। अगर आप प्रोग्नोसिस जान के भी पेशेंट को ये बोलते हैं कि मैं सही कर दूंगा तो वो बहुत गलत है। उस चीज को मैं, मतलब आई डोंट एंडोर्स दैट। पेशेंट को पहले ही कंसल्टेशन पे, पहले केस लेने से पहले उसको ये चीज क्लियर कर देनी चाहिए कि मेरी ये बीमारी है, आपको भी, आपको इस चीज में ये इसका प्रोग्नोसिस है और मैं इस चीज के लिए ये मेडिसिन दे रहा हूं। स्कोप्स एंड लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी में यही है ना। यस सर। इफ इन केस यू नो दैट दिस इज दी लिमिटेशन, यू नीड टू टेल दिस पेशेंट पॉइंट ब्लैंक कि भाई इतना आराम कर सकता हूं, कि मैं इसको पूरा परमानेंटली ट्रीट करने के लिए दे रहा हूं मेडिसिन, या फिर मैं इसको मैनेज करने के लिए दे रहा हूं मेडिसिन, या ये सिर्फ मैं रिलीफ के लिए दे रहा हूं मेडिसिन। क्योंकि प्रोग्नोसिस खराब अगर है तो अगर आप रिलीफ भी कर देते हैं पेशेंट को तो वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। पर ये पहले ही सच बोल देना चाहिए ताकि पेशेंट का भी आपके ऊपर, और ये जब पेशेंट को आप बताते हैं ना तो पेशेंट ट्रेस करता है। अगर पेशेंट आपसे मैनेज नहीं हो सकता तो पहले दिन मना कर दीजिए कि आई कैन नॉट हैंडल दिस केस, गो टू अ हायर इंस्टीट्यूट। पेशेंट आपको दिल से दुआ देता है कि डॉक्टर साहब ने एटलीस्ट सही रास्ता दिखा दिया, टाइम का रास्ता दिखा दिया। तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखें। बाकी इसको कहने के बाद में कैंसर में भी जितने आपके जेनेटिक ट्रबल्स हैं, जितनी आपकी क्रॉनिक अपना एलिमेंट्स हैं, सब जगह पे होम्योपैथी अपने एक दायरे में जैसा भी उसका प्रोग्नोसिस है उसमें आराम जरूर करे। उसके बाद सवाल था कि बहुत लोग भी ये बोलते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयां हैं तो कुछ साइड इफेक्ट नहीं है इसका, ले लो, तो क्या ऐसा होता है कि दवाइयों का कुछ साइड इफेक्ट नहीं है? देखो ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज आपने मुझसे पूछ ली, और प्रॉब्लम ये है मैं बहुत ब्लंट बोलता हूं, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल पाता। होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, होम्योपैथी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। पर कितने लोग होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं? होम्योपैथी का अगर हम बेसिक एक अपना जो प्रिंसिपल है, सिंगल सिंपल मिनिमम, अगर इफ वी एक्चुअली आर प्रिस्क्राइबिंग एज पर द ऑर्गेनिन तो होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पर अगर आप एक बारी में 10 10 15 15 20 20 मेडिसिंस दे रहे हैं तो लिखवा लीजिए कि साइड इफेक्ट है और एलोपैथी से ज्यादा है। ये मैं बिल्कुल ब्लंटली बोलता हूं। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं होम्योपैथी, पहले तो होम्योपैथ सही हूं, होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूं और उसके बाद में साइड इफेक्ट की बात। जो भी पेशेंट आ रहा है मेरे पास में, इफ आई कैन नॉट हैंडल दैट पेशेंट एंड आई एम नॉट एफिशिएंट इनफ टू हैंडल दैट पेशेंट ऑन माय ओन, आई विल टेल दिस पेशेंट कि ओके, आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ टू हैंडल दिस केस, गो टू दिस होम्योपैथिक डॉक्टर, ही हैज मैनेज दिस केस एंड ही विल ट्रीट यू और मैनेज यू मोर एफिशियंटली। तो उसमें कुछ गलत नहीं है ना।
सब लोग ईगो पे आ जाते हैं, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस ईगो पे बड़ी चलती है, नाक पे चलती है कि मरीज आया बाय साम दाम दंड भेद कुछ भी करके मैं सही करूंगा, डजंट वर्क लाइक दैट। ईगो अगर आपकी आ रही है तो फिर तो गड़बड़ है। और सर कुछ पेशेंट्स जो होते हैं होम्योपैथी में वो सेल्फ मेडिकेट भी कर लेते हैं यस कि अभी कुछ साइड इफेक्ट तो है नहीं, खुद ही खरीद के कुछ भी खा लेते हैं, यस वजन कम करने की दवा कोई खा रहा है और ये सब, तो इसमें इतना बड़ा सोल्यूशन मिथ है, इसमें क्या सोल्यूशन क्या है इसका? यही है कि बीइंग अ होम्योपैथ आप काउंसिल सही तरीके से करना शुरू करो। आपको पता ही नहीं है कि आप किस डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं, और पेशेंट पेशेंट देखो वही है ना, पेशेंट इज कमिंग टू योर क्लिनिक और उसने विकिपीडिया पे अपनी बीमारी पढ़ ली, तो कैसा डॉक्टर है? एक अगर ऐसा एक डॉक्टर है जो भी विकिपीडिया पे पढ़ के उसको दवाई बता रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं है ना। नहीं तो नॉलेज जो है वो साइंटिफिक लीजिए, विकिपीडिया नॉलेज नहीं लीजिए, व्हाट्सएप नॉलेज मत लीजिए, किताबों से पढ़ी हुई बताइए, बेसिक बताइए। अगर बेसिक के ऊपर अगर आप बात कर रहे हैं तो अगर आपको वो चीजें पता है तो आप पेशेंट को अच्छे से गाइड कर पाएंगे। मैं यही बता रहा हूं ना, नॉलेज ऑफ द डिजीज सबसे पहले आती है। ऑर्गेनिन में इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि भाई बीमारी के बारे में पहले जान लो, क्लासिफाई किया है बीमारी को अलग अलग तरीके से। पर वही चीज है कि अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते और उसके बाद बिना पढ़े लैक ऑफ नॉलेज की वजह से इफ यू आर प्रिस्क्राइबिंग रॉन्ग, और इफ इन केस बिकॉज ऑफ एनी एनी ऑफ दीज रीजंस यू आर एक्चुअली लाइक अपना यू आर टेलिंग दिस पेशेंट और यू आर एक्चुअली लाइक पुशिंग दिस पेशेंट टूवर्ड्स अ रॉन्ग पाथ, गलती किसकी है? पेशेंट की, आपकी। बस क्लिनिकल प्रैक्टिस यही है कि पेशेंट का अगर कोई मिथ है तो उसको बर्स्ट करना आपका काम है। काउंसलिंग यही होती है, पेशेंट को बैठा के समझाना पड़ता है कि दिस इज द थिंग। कितने पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब वजन कम करना है, वजन कम करने की कोई दवा है क्या? अगर वजन कम करने की दवा होती तो मैं अभी साउथ एक्स में बैठा हुआ हूं, मैं कनॉट प्लेस में पूरी बिल्डिंग खरीद के बैठा होता, साफ बात है। अगर वजन किसी वजह से बढ़ा है, पीसीओडी है, हाइपोथायराइडिज्म है, या कोई डिजीज है बिकॉज ऑफ विच वजन बढ़ रहा है, आई कैन प्रोवाइड यू विद द मेडिसिन विद प्रॉपर एक्सरसाइज एंड डाइट, यू योर सेल्फ विल लूज द वेट। आई डोंट हैव मेडिसिन फॉर वेट लॉस, सिंपल। इसको इतना बोलने में क्या तकलीफ है? बोलते ही और सर का मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना समय निकाला इन सब सवालों के जवाब देने के लिए। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।